जम्मू कश्मीर के इंश्योरेंस और किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट स्कैम से जुड़े केस में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी मलिक के मीडिया सलाहकार रहे सुनक बाली के घर भी हुई। मलिक ने इस पर कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई इस मामले में शिकायतकर्ता को परेशान कर रही है। सुनक बिना किसी सरकारी वेतन के जम्मू कश्मीर में मेरे सेक्रेटरी थी। ये मामला तब सामने आया था जब सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। मलिक ने खुद इस मामले की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि फाइलों को मंजूरी देने के बदले उन्हें 150-150 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। सीबीआई ने इस पर केस दर्ज किया था। सत्यपाल मलिक के भी बयान दर्ज किए गए थे। मलिक ने जिन दो फाइलों का जिक्र किया था उसके बारे में कभी खुलकर नहीं बताया। रिपोर्ट के मुताबिक सत्यपाल मलिक सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और पत्रकारों के लिए लाए एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जुड़ी एक फाइल का जिक्र कर रहे थे। इसमें अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी शामिल थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।